मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। भिवंडी पुलिस ने इंटेलिजेंस एजेंसी के इनपुट पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये 40 जो बांग्लादेशी गिरफ्तार हुए हैं ये भिवंडी में रहते थे अवैध रूप से, और इनके पास से जो है पुलिस ने छानबीन करते हुए ये भी कहा है कि ये जो है भिवंडी में रहते हुए जाली पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज़ों को बनवाया था। और साथ ही साथ पुलिस ने इन लोगों को जब गिरफ्तार किया तो 2 दिन की अभी इन्हें पुलिस कस्टडी मिली है, और पुलिस ने ये जानकारी देते हुए कहा है कि इनके पास से जो है टोटल 28 मोबाइल फ़ोन बरामद किया है जिनकी बाज़ार में कीमत है 94,000। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे और कब से यहाँ पर रह रहे। लेकिन इन 40 जो बांग्लादेशी इनको गिरफ्तार करने के बाद देखिए किस तरीके से रहा गिरफ्तारी के बाद पूरा नज़ारा। ये जो हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि भाई भिवंडी और अपना आजू बाजू का जो एरिया है उसमें लगभग 50 के ऊपर के बांग्लादेशी यहाँ पे काम करते ऐसी खबर मिली थी। वही हिसाब से हमने 4 अलग अलग टीम की और कल के दिन सुबह इसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू करके लगभग 40 लोगों को जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पर आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में, तो उन सभी को हमने उठाया तो उसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया है। और शांतिनगर में 20 जो है, शांतिनगर में 20 लोगों के खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है। CR नंबर 827/2021 परकीय नागरिक कायदा 1948 सेक्शन 13123 और परकीय नागरिक कायदा 1946 के 14 के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1967/12 वैसे ही जो है परकीय नागरिक रिपोर्ट टू पुलिस आदेश 1971 कलम 2 के तहत ये सब जो है हमने सेक्शन लगा के गुनाह दाखिल किया है। शांतिनगर वैसा ही गुनाह नारपुली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी लगभग 10 आरोपी अरेस्ट किए हैं। वो CR नंबर 742/21 यही सेक्शन उसमें सेम अप्लाई किया है हमने, और जो है 10 आरोपी उसमें अरेस्ट है। आरोपी मतलब जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं जिससे जो जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे ये थे हमने वेरिफिकेशन करके, और तीसरा मामला भिवंडी शहर में दर्ज किया गया है उसमें भी 10 बांग्लादेशी जो है नागरिक उनको ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। CR नंबर 456/21 के तहत वो जो मैंने सेक्शन बताया अभी उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज है। ऐसे टोटल कुल मिला के 40 बांग्लादेशी जो है अपने एरिया में रहते भिवंडी और जोन के अंदर में, उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है, ताबे में लिया है और उनको जो है 2 दिन की PC मिली है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।